इंदौर में ड्रग माफियाओं पर अभियान के तहत कनाड़िया पुलिस को एक बड़ी सफलता हासिल हुई है, जहां पुलिस ने बड़ी मात्रा में गांजे की तस्करी करने वाले एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। इसके पास से कुल 21 किलो गांजा बरामद किया है। दरअसल मामला कनाड़िया थाना क्षेत्र के बाईपास का है, जहां पर पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि एक व्यक्ति जो कि बड़ी मात्रा में गांजे की सप्लाई करने के लिए इंदौर बाईपास पर आया हुआ है। पुलिस ने तत्काल सूचना पर घेराबंदी कर मौके से एक एक युवक को गिरफ्तार किया, जिसमें पूछताछ में अपना नाम सुनील पिता राम निवासी बांदा जिला धार का रहना बताया। पकड़े गए आरोपी से पुलिस ने कुल 21 किलो गांजा बरामद किया है। धार से गांजे की डिलीवरी देने इंदौर आया हुआ था। फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है। कई बड़े खुलासे होने की पुलिस उम्मीद जता रही है। बड़ी सफलता और मिली, 21 किलो गांजा कुछ बरामद किया है। थाना कनाड़िया को सूचना प्राप्त हुई थी कि अवैध रूप से मादक पदार्थ गांजा को लाया जा रहा है। तो सूचना पर थाना कनाड़िया थाना प्रभारी ने टीम भेजी, तो उनको एक आरोपी के कब्जे से लगभग 20 किलो गांजा मिला है। आरोपी को गिरफ्तार कर उससे पूछताछ किया। सर, जैसे कि इंदौर से बाहर से आता है, कुछ अन्य जिलों के नाम सामने है? अभी प्रारंभिक तौर पर इंदौर जिले के बाहर से गांजा लाना पता लगा है, अभी इसमें पूछताछ की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, वॉइस ऑफ राइट्स।